वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर पावर शेयरिंग। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वी हैव बेसिकली फोर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। आपको पता है सोसाइटी में वेरियस सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में पावर शेयर की जाती है ताकि उनकी माइनॉरिटी को मेजोरिटी की डोमिनेंस से बचा सके। ओके, हम जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा था बेल्जियम के अंदर, तो वह एक इसका एग्जाम्पल है। द पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। लास्ट फॉर्म ऑफ पावर इज पावर शेयर्ड अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होते हैं, बीच में कॉम्पिटिशन होती है। उस कॉम्पिटिशन की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सारी पावर्स नहीं जाती, तो रिजल्ट में कभी कभी क्या होता है, अलायंस फॉर्मेशन होती है। उस अलायंस फॉर्मेशन से कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर आते हैं ट्रेडर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल्स, जो कि बहुत ज्यादा शेयर इन्वॉल्व करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में। और जब डिसीजन पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसमें ये जो आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स है इनका एक बहुत ज्यादा लंबा शेयर होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफी हेल्पफुल होते हैं और इनका भी पावर शेयर में रोल होता है। अब हम एक एक करके इंडिविजुअली सबको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में पावर्स डिवाइड जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर आपका, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर वी आर हैविंग टू हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। देन एग्जीक्यूटिव, जब भी हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं देन वी आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, एंड इसके अंदर कौन कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट वन इज जुडिशरी। जुडिशरी में कोर्ट सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब यहाँ पर यह हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पावर बैलेंस की गई है हॉरिजॉन्टली इन बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। बैलेंस के साथ साथ यहाँ पर चेक भी एक सिस्टम किया जाता है, बैलेंस एंड चेक। तभी तो यहाँ पर कहा गया है दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एस्टेब्लिशेस अ बैलेंस ऑफ पावर। पावर तो यहाँ पर बैलेंस की गई तीनों के बीच में। इसके अलावा एज वेल एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब चेक एंड बैलेंस कैसे, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, दे यूज टू अपॉइंट जजेस इन जुडिशरी। जो जजेस जो एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किए हैं वही जजेस क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक करेंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि लेजिस्लेटिव ने जो लॉ फ्रेम किया वो सही से फ्रेमिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो तभी सिस्टम को क्या कहा जाता है, बैलेंस एंड चेक। अगर आपके जैसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस, देन उसका आंसर क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, व्हेन द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब यहाँ पर क्या, एट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, यहाँ पर एक वर्ड निकल के आता है फेडरल गवर्नमेंट। व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ कंट्री हैज टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया के अंदर वी हैव टू और मोर, वी हैव बेसिकली थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया की कंट्री बहुत ज्यादा डाइवर्स है। हम एक इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके अंदर वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री को होल्ड करती है, पूरी कंट्री की फंक्शनिंग को, उनकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करती है और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालती है और पूरी कंट्री को सही से ऑर्गेनाइज करती है। सेकेंड लेवल इज स्टेट लेवल और प्रोविंसियल और रीजनल गवर्नमेंट। ये स्टेट रिलेटेड मैटर्स पे डिस्कस करती है और इनका वर्क एरिया भी स्टेट लेवल तक ही रहता है। नेक्स्ट इज, अब स्टेट वाइज भी हमारी कंट्री क्या है, काफी ज्यादा डाइवर्स है। स्टेट के अंदर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल विलेजेस बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री के अंदर,
इसलिए इंडिया के अंदर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। रूरल एरियाज में पंचायत होते हैं और अर्बन एरियाज में म्यूनसिपालिटीज होती हैं। तो एक आपका इंडिया का एग्जांपल है। इस शेयरिंग को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसमें की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका आता है सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री विच देयर इज अ टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ये चीज मैंने आपको ऊपर समझाई थी, डिफरेंट लेवल्स। जब किसी भी कंट्री में डिफरेंट लेवल, दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो उसके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट स्ट्रक्चर को, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कौन कौन सी कंट्री के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देखो, दिस फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इज सीन इन कंट्रीज लाइक कैनेडा, इंडिया, बेल्जियम, यूएसए एक्सेट्रा। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमें पता है सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, अब उनके बीच में पावर शेयर की गई है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। अब इसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है, हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब कि सीट्स रिजर्व किए हुए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, बहुत सारी माइनॉरिटी या फिर बहुत सारी जो लो कास्ट के लिए बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया गया इंडिया के अंदर, ताकि उनको फेयर चांस मिले पावर शेयर का। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। हमने बेल्जियम के जब केस स्टडी पढ़ी थी, उसमें हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग एक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप बनते हैं, जिसमें वहां पर दे डील विद द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज या फिर कल्चर रिलेटेड इश्यूज, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट, अब इनका बेसिक रीजन क्या है, इस टाइप की रिजर्वेशन का या फिर इस टाइप की गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का रीजन क्या है। देखो, बेसिक रीजन इज टू गिव द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ कंट्री अ फेयर शेयर इन पावर। जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी है या फिर जो कम प्रोपोर्शंस में लोग प्रेजेंट है, उनको एक फेयर शेयर मिलना चाहिए पावर में। इसलिए पावर शेयर की गई है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, पावर शेयर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब क्या होता है, जब भी हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस होते हैं, व्हेनेवर इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन अवर कंट्री, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। उस कंपटीशन की वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पावर, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर नहीं जाती, पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्वली डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट पॉइंट, इन डेमोक्रेटिक कंट्री पावर शेयरिंग टेक्स फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। जब भी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, जब भी कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग होती है, कब होगी पावर शेयरिंग, जब भी इलेक्शंस का प्रोसीजर आएगा, तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कंपटीशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। नेक्स्ट, सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स, अब जब इस टाइप के कॉम्पिटिशन कंट्रीज के अंदर होते हैं तो क्या होता है, पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड एंड इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इलेक्शंस के लिए फाइट करती है, तो पावर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर डिवाइड की जाती है, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी को गलत इम्पैक्ट में ना लेके जाए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडास डिफरेंट होते हैं, उनके मोटिव्स डिफरेंट होते हैं, उनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट होते हैं। ओके, रिजल्ट, अब इनका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अलायंस बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, उनके आइडियोलॉजीज लगभग थोड़े सेम होते हैं या फिर एक तरह से वो संधि कर लेते हैं, जिसको हम अलायंस कहते हैं, तब जो उनसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अलायंस फॉर्म करते हैं, तो उनसे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिएशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार। लास्ट, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब ये प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, दे आर बेसिकली ट्रेडर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब क्योंकि इनका हमारी कंट्री में जीडीपी काफी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारी कंट्री के अंदर पॉलिसी डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है, तो इनका उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। और ये भी इसी वजह से, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल होता है पॉलिसी डिसीजन आर बी मेड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये भी क्या करते हैं, दस आल्सो शेयर अ पॉलिटिकल पावर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वी आर बेसिकली फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड
power shared among different political parties, interest groups and movements. This is the last topic of our chapter power sharing. Okay, thank you. कोई भी आपको queries है, कोई भी issues है तो आप comment section में लिख के बताइए.